जय हिंद। स्वागत बा अपन फिर से न्यू वीडियो में। आज हम लोग जाना फिर कुछ नया सामान्य ज्ञान, तो चलिए देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? पहले लिखा का, चलो ठीक। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? नदी लिख देते हैं। नदी कौन सी नदी बनाती है? तो भैया इसमें दो नदी है, एक तो गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये दो नदी बनाती है, एक भारत की सबसे बड़ी नदी है और एक भारत की सबसे लंबी। इसमें मिस्टेक नहीं, लंबी और बड़ी में अंतर होता है, ठीक है? तो देखो, सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक बड़ी नदी है, एक लंबी नदी। कहाँ बनाती है? बांग्लादेश के मुहाने पे। बांग्लादेश के मुहाने पे, मुहाने पर है कहाँ? बंगाल। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो हमारे यहाँ ना हमेशा चिड़िया बोलती रहती है। अरे भाई गांव है, ऐसे नहीं सूरज को रोशनी से प्यार होता है तब जाके गांव गांव होता है, ठीक है? चलो अब गांव की बात करें तो एक शायरी गांव के लिए भी सुन लो कि गांव को गांव रहने दो क्यों शहर बनाने में लगे हो, कि गांव को गांव रहने दो क्यों शहर बनाने में लगे हो। गांव में रहोगे तो माँ बाप के नाम से जाने जाओगे और शहर में मकान नंबर से पहचाने जाओगे, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन आपका है भैया कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, विद्रोह के समय गवर्नर जनरल। देखो सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग था। ये भैया कब हुआ था सिपाही विद्रोह आपका? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में, हाँ वही समय है जब वो कविता थी ना, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेल हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। कब शुरू हुआ था भैया लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग जो था क्या था? गवर्नर जनरल था 1857 ईस्वी में, सिपाही विद्रोह, ठीक है? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, यात्रा के साथ आंदोलन। देखो दांडी यात्रा के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ था वो था सविनय अवज्ञा, अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन, ठीक है? सिविल डिसओबीडेंस, हाँ यही तो है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, यही शुरू हुआ था आपका जब दांडी यात्रा आपकी निकली थी भैया, ठीक है? दांडी यात्रा किसके विरुद्ध निकली थी? कांग्रेस का निकला था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है? कब निकला था भैया? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में निकली थी दांडी यात्रा। इसे नमक यात्रा भी जो कहते हैं ना, नमक, नमक के लिए हुआ था, नमक सत्याग्रह भी इसे कहते हैं, नमक सत्याग्रह। किसके नेतृत्व में हुआ था भैया? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी, गांधी जी, जी लिख दे, इज्जत सम्मान इनको दे दे, काहे के ना इनके शरीर में कोई जान नहीं था फिर भी इतना एकजुट सबको कर दिए। जो समय ना ये अगर ना होते तो बहुत लोग हमने देखे कि सिर्फ मार धार में चले जाते, खत्म हो जाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना जनता को एक करना। LIC खोल लो, एक हो जाए। उतने समय ना LIC भी नहीं थी एक करेंगे, उतने समय सबसे बड़ी मुश्किल की बात थी जनता को एक करना। जनता को अगर आप एक कर ले गए तब तो जीत थी। वही बात थी, अगर जनता एक होती तो इतने दिन हम लोग गुलाम ना रहते। चलो अगला क्वेश्चन है,
भारत में कौन से राज्य, भारत के कौन से राज्य में, यानी भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित राज्य में या प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक है? अधिक है। देखो, राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार, ये भैया केंद्र शासित है ना, ये इसे है। देखो, अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें भैया 9 है, 9 राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी 9 है। फिर उसके बाद आपका आता है केरल, केरल आता है, उसमें आपका 6 है। केरल, केरल में आपका 6 है, केरल में 6, महाराष्ट्र में 6, महाराष्ट्र में 6। और बताओ सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना कहाँ है भैया? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ये बहुत, जिम कार्बेट जो थे ना, उन्हें बचपन से, देखो बचपन से जो चीज ये करने में इंटरेस्ट रहेगा तो ये जान लो कि बड़ा होकर वही इंटरेस्ट रहेगा। ये बचपन से इनको शिकार करना बहुत पसंद था। ये जाते थे, जो होते थे जैसे बिल्ली गई तो उसका निशान देखते थे, यहाँ कौन से जानवर गई, फिर उसके बाद देखते थे ये जानवर, फिर उसके बाद शिकार करते थे। जिम कॉर्बेट, इनकी कहानी बहुत बढ़िया है। ये हो गया दांडी यात्रा, दांडी यात्रा हो गई। दांडी यात्रा के समय कौन हुआ था? सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इतने जल्दी हमारा क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया? नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल पुलिस अकादमी, नेशनल, नेशनल पुलिस, पुलिस अकादमी, अकादमी। देखो, नेशनल पुलिस अकादमी जो है ये आपका स्थित है हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में, हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में। कौन सा नेशनल अकादमी है? उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई, भाई पटेल, ठीक है। नेशनल अकादमी कौन है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ है? हैदराबाद के तेलंगाना में अवस्थित है। अवस्थित कहो या स्थित कहो, दोनों बात एक है, अवस्थित या स्थित। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, पुलिस, अरे पुलिस की बात आ गई, रुको, पुलिस सबके दोस्त, सबसे प्रिय, सबके सेलिब्रिटी, एलविस यादव, एलविस यादव, एलविस यादव को पुलिस ले गई और ये चले गए कहाँ? थाने में, ठीक है। देखो, भगवान भी कहते हैं ना कि तुम कितने भी पाप करो वो एक दिन भरेगा, चाहे तुम घड़ा फोड़ो या ना, वो भरेगा जरूर। वही काम इनका भी है। अब कुछ लोग ऐसा है, मतलब ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि अरे हम लोगों का जन्म, हम लोगों का जन्म ही थाने में हुआ था। अरे तो थाने में हुआ था, तुम भगवान थोड़ी हो भाई, हाँ वो तो गए एक दिन में निकल आए, बने मतलब पैदा हुए उसके बाद निकल आए, अब याद हो इसका क्या मतलब? अरे भैया, ऐसा ऐसा आदमी मानसिकता देखो, जिस जो ये सोच रहे हैं कि हम लोगों का जन्म थाने में हुआ, उनका मानसिकता डैमेज है। वो जाके इलाज करवाए कोनो न्यूरो, न्यूरो डॉक्टर से। और एक बात, ये झोला छाप डॉक्टर से मत कराना, वरना 12 लीटर खून देना पड़ेगा तुमको। तो इलेवेश यादव को जो लोग गुरु मानते हैं उनके जानकारी के लिए बता दो, इनको ले गई जेल। इन पे 2 केस, एक तो सांप
कविश जैसे ड्रग्स बना रहे थे और जो पीटे थे जल्दी। देखो तुम कुछ भी कितने बड़े डॉन हो, सरकार नहीं हो, सरकार जैसे चाहेगी उसे गिरफ्तार करवाएगी। और ये भरम एकदम मत पालो कि हम लोगों का जन्म कैद खाना में हुआ है तो उसको भी फ्री मानेंगे। हुए ऐसे सोचते। चलो अगला क्वेश्चन। डीडी की खोज, डीडीटी, डीडी नहीं, डीडीटी की खोज किसने की? डीडी की खोज, देखो डी डी टी, डीडीटी की खोज, इसकी खोज जो किया था पाल म्यूलर, पाल म्यूलर, ध्रुव राठी और एलविस यादव, ये दोनों बहुत बढ़िया है। इनको हम बढ़िया नहीं कह रहे, एलविस भाई को भाई कहे गए। सुजिंदर, एक नंबर का सुजिंदर। बताओ ये ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिससे का फैले, मारपीट का तुम दिखा रहे, फिर जाके जनता भी ग्रुप में, इतने अगर शेर थे ना तुम भैया ग्रुप में जाके, नहीं वो बेचारा तैयार था मिलने को और तुम ग्रुप में जाके मार दिए। अरे वो क्या बोलता है, वो कारखाना में जन्म थे ना भगवान। अरे तो भगवान ये भी कहते हैं किसी निशस्त्र प्राणी को नहीं मारा जाता, तो जाके ठोक दिया बच्चा वो भी ग्रुप में। अब तुम लोग ये भी कह रहे हो कि हम छल करेंगे। हाँ भगवान छल करते थे, काहे कि शंकर भगवान थे, उसको अमर हाथ पे रखने का बर दे दिए थे, तो विष्णु भगवान का देन था छल करके उसको मार दिए। तो इसका का मतलब तुम ही छल करोगे? वो तो बताए थे तुम धर्म की बात करो। ये क्या कर रहा, लड़की बाजी, ड्रग्स बेचे, ये कौन धर्म? धर्म है तुम्हारा? कुछ नहीं है। चलो देखो, डीडीटी की खोज किसने की थी? पाल म्यूलर। ये जो था भैया, ये छिड़काव किया जाता था जैसे मलेरिया रोग, कीटनाशक रोग के लिए, कीटनाशक, कीटनाशक रोग के लिए, रोग के लिए, कीटनाशक रोग के लिए किया जाता था। अब कीटनाशक रोग कहो या बीमारी कहो, मलेरिया तो बीमारी है। देखो पाल म्यूलर ने खोज किया था 1950 में, 1950 में। देखो एक समय होता है कोई चीज बनता है, लेकिन एक समय होता है जब बन के तैयार हो जाता है, और ये बन के तैयार हुआ 1950 में, लेकिन बनना शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। ये छिड़काव किया जाता था जिससे मच्छर छना, एक बार अपना हो यहाँ हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने छिड़काव किया था 1975 ईस्वी में, 75 ईस्वी में, तब से वो डीडीटी छिड़काव नहीं किया गया। अब इनके राज्य में कहाँ डीडीटी छिड़काव, ये खुद खून चूसने वाले हैं तो कौन फायदा है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कितने प्रकार से प्रचलित? जीएसटी, जीएसटी के प्रकार, देखो जीएसटी के तीन प्रकार है, एक सी जीएसटी, एक यस जीएसटी। सी जीएसटी मतलब केंद्रीय जीएसटी, यस जीएसटी मतलब होता है राज्य की जीएसटी, आई जीएसटी मतलब, आई जीएसटी मतलब एकीकरण, ये होता है हमको एक कंफर्म नहीं है, एकीकरण, हाँ वही होगा एकीकरण। क्वेश्चन सिर्फ लिख के ला रहा है, आंसर वो लिख के लाएगा, आंसर में ठीक नहीं करेगा, जो बोलते हैं वही लिख के लाते हैं। सी जीएसटी, यस जीएसटी, सी जीएसटी, यस जीएसटी, आई जीएसटी, ये तीन प्रकार से भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भैया जो जीएसटी लागू किए ना, और दूसरा सरकार तो कह रहे थे जीएसटी बहुत खतरनाक होगा। हाँ ये कंफर्म हो, यही कंफर्म कर लेना, वैसे एकीकरण है, कंफर्म है। सी जीएसटी केंद्रीय होता है, केंद्रीय, केंद्रीय वस्तु पे, और यस जीएसटी राज्य, राज्य की वस्तु पे। हो गया तीन प्रकार से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अरे भैया इसी कुल पृथ्वी दिवस बस कहाँ से आ गया, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को, 22 मार्च को पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, पर्यावरण, हाँ 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 5 जून को पर्यावरण दिवस बस, पृथ्वी 22 मार्च नहीं, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को जो मनाया जाता है, 22 मार्च को वो जल दिवस, जल दिवस, ठीक है, नोट कर लो ये। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? कला भवन, भारत कला भवन, भारत कला भवन, कला भवन, काला भवन नहीं, कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन भैया स्थित आपका बनारस में, बनारस, बनारस लिख दिया, बनारस में, बनारस में कहाँ? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो है कला भवन है, यानी संग्रहालय इसको कहा जाता है, कला भवन। चलो अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति में दूध मीठा होता है? दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज, तो किसकी उपस्थिति में? लैक्टोज के, कुछ क्वेश्चन ऐसे जान ले करो, लैक्टोज के क्वेश्चन बता दे रहे हैं बस, वही बहुत है और क्या चाहिए, लैक्टोज के, खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उज्जैन का पुराना नाम क्या था? उज्जैन का पुराना नाम अभी कल बताए थे कि भैया उज्जैन, हाँ वही बाबा का नगरी, महाकालेश्वर, उज्जैन वाले बाबा, उज्जैन पुराना नाम, उज्जैन पुराना नाम, पुराना नाम ये का हुई है, एक सेकंड रुको, लाइट कट गई भैया, थनी मैनेज करा, तो उज्जैन का पुराना नाम, बाहुबली मूवी बहुत देखा हो, बहुत देखे हो, बाहुबली में वो हीरोइन का क्या नाम रहता है? अवंतिका, हीरोइन का नाम वास्तव में हमको भी नहीं पता क्या, वो भू राख वाली, उनका नाम, उसका नाम क्या? अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका नाम क्या रहता है? उज्जैन का पुराना नाम भैया अवंतिका है। अक्सर हमारे लाइफ में यही प्रॉब्लम है कि ससुरा हमको बढ़िया चीज याद ही नहीं होता, घटिया चीज याद होता हो जाता है, जैसे अब फिल्म, फिल्म का नाम याद रहेगा बाहुबली, अब ये तुमको पूछ ले अवंतिका, ये नहीं याद रहेगा, प्रॉब्लम है हर जगह, कोई चीज अगर सीधे नहीं है उल्टा याद कर लो, कोई चीज का नाम गंदा मतलब अच्छे से नहीं है उसका नाम कुछ ऐसा घटिया सोच लो याद हो जाएगा, ये ट्रिक है, ठीक है, ये हुई है भैया उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका, इसको एक नाम से और जाना जाता है कालिदास नगरी, कालिदास नगरी, काली दा, ये दिखाइए नहीं देता, यहाँ यहाँ लिखते हैं काली दास नगरी, कालिदास नगरी इसे कहाँ कहा जाता है पता है? हाँ कालिदास इतने मूर्ख व्यक्ति थे कि जिस डाल पे बैठते थे वही डाल काटते थे, ये इतने मूर्ख व्यक्ति थे, लेकिन एक ताने ने इनकी जिंदगी बदल दी, इनका शादी हो जाता है और शादी बड़ी मुश्किल से होती है, वो इनके औरत कहते हैं ना कि जब देखने जाता है तो पंडित बताते हैं तो दिखाती है 5 उंगली, कहते हैं शरीर पांच अंगों से मिलकर बना है, तो वो सोच लेते हैं ना कि हमको ये थप्पड़ मारने के कह रहे, तो ये दिखाते हैं मुक्का, कहते
कहते हैं अगर तू थप्पड़ मारेगी तो हम मुक्का मारेंगे तुमको। तो पंडित लोग बहुत दिमागदार रहते थे, तो जब वो बोली पांच तत्व तो होते हैं शरीर में, तो ऐसे मुक्का मारे ना ऐसे, कहे तो थप्पड़ मारोगे हम मुक्का मारेंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो पंडित बोल रहे हैं कि मुक्का इसलिए बने है कहे कि उन्हीं पांचों से शरीर बना है। हाँ पंडित पंडित का दिमाग बहुत तेज चलता है। तो ये कालिदास का नगरी था, उनको प्रेम होता है भैया, ये बहुत मानते थे। अब जब बाद में इनकी स्टोरी पता चलता है, इनकी बीवी चल जाती है मायके, मेरी बीवी मायके चली, जब जब इनकी बीवी मायके चली जाती है तो ये बहुत निराश होते हैं। और जाते वक्त समुद्र पर मतलब नदी पड़ता था रास्ते में पड़ता था। अब रात का समय था, कालिदास लकड़ी उकड़ी काट के आए पूरा, देखे औरत नहीं। सब पूछा कि कहाँ गई, तब बताए कि गई अपने मायके। बस इतना प्रेम था उन्हें को, कहे हम भी चल रहे गए। और समुद्र मतलब नदी में जो रास्ता नहीं था, एक मुर्दा बह गया वहीं पे बैठ के ना गए, कालिदास नगरी चले आए। और उनके घर में कपाट लगा थी कमाड़ी, वहां ना खुल नहीं रहता, और सांप पकड़ के कूद गए थे। ऐसे ऐसे इंसान थे, लेकिन वही एक थप्पड़ लग गया इनको। थप्पड़ मारी नहीं, थप्पड़ लग गया। कहते हैं कि लगा चोट भुलाया जा सकता है लेकिन ताना नहीं भुलाया जा सकता। वही ताना मारी थी, तुम गंवार हो, कुछ नहीं कर पाओगे। और वही एक ताने के चक्कर में आज कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े ज्ञाता। ठीक है, तो बेइज्जती होना बहुत जरूरी है, क्या पता कब ताना आपको लग जाए। तो ठीक भैया, उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका, अगर एक नाम और पूछे कालिदास नगरी। अभी क्वेश्चन और बहुत बाकी है, लेकिन क्या करें, ये लेडिया पता नहीं कहाँ भाग गई। लाइन और मौत का कादरा कब चल जाए, अब जहां परमानेंट रहता है वहीं पता रहता है। चलो ठीक, छोड़ो, मिलता है फिर अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक आप देखे हो तब तो धन्यवाद, नहीं तो जाओ अपना काम करो।